जा रहे हैं जिसका नाम है संविधान के प्रमुख भाग उनके विषय। एक सवाल आता है जैसे पूछ लिया जाता है भाग तीन क्या है, भाग चार क्या है, भाग पांच क्या है। प्रायः ऐसा जब परीक्षा में सवाल आता है तो मिलान करो को लेकर आता है, किसको मिलान करिए। तो भारतीय संविधान की जो लगातार क्रमवार रूप से सीरीज चल रही है, सीरीज में आज हम आपके सामने जो लेकर आए हैं संविधान के प्रमुख भाग उनसे संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। तो आप जहां जरूरत पड़े इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, हो सके इसे अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा। आपने देखा होगा हर परीक्षाओं में, खासकर जब सरकारी नौकरी की बात आती है, वहां पे ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग इसे याद कर लीजिएगा, कोशिश करिएगा अपने पास सुरक्षित रखने का। और यह क्लास आप सभी के लिए निःशुल्क देशित में राष्ट्रित में मेरे द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है गेस्ट के रूप में। उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं आज की क्लास आपके साथ मिलकर ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। भाग एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है भाग एक किससे संबंधित है, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो भाग एक में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। इसमें क्या है, अनुच्छेद एक से लेकर चार तक, अगर हम बात करें अनुच्छेद एक से लेकर चार तक संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। इसमें एक और बड़ी बात है आप सभी के लिए कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र में क्या जिक्र किया गया है कि भारत में 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं वर्तमान समय में, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक सवाल यहां से पूछा जाता है, यह भाग एक अनुच्छेद एक में। इसमें अगर अनुच्छेद की बात करें एक से लेकर चार तक है। आगे हम बात करते हैं भाग दो, इसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। यह अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है, माने इस क्रम में अनुच्छेद है, यहां पे भाग है, और निम्नलिखित में जो भाग है किससे संबंधित है यहां पर दिया गया है। तो नागरिकता भाग दो में है। भाग तीन की बात करें तो मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। मूलाधिकार फंडामेंटल राइट, इनकी संख्या अब 6 है, पहले कितनी थी 7 थी, लेकिन अब कितनी हो गई है, अगर परीक्षा में सवाल आ जाए अब कितनी है, तो अब इनकी संख्या 6 है, पहले इनकी संख्या कितनी थी 7 थी। भाग चार किससे संबंधित है, तो ये राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। ये चार ऐसे भाग हैं जो आपके परीक्षा में सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं, खासकर मिलान करो को लेकर। दूसरा भाग चार का, ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, इसे स्वर्ण सिंह संविधान के सिफारिश पे सोवियत संघ की अगर हम बात करें यूएसआर या रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, इसका अनुच्छेद 51 का है, भाग इसका 4 का है। इनकी संख्या प्रारंभ में 10 थी, लेकिन सन 2002 से इसकी संख्या अब 11 हो गई है। अब हम और आगे बात करते हैं आपके साथ मिलकर, कह रहा है भाग 5 संघ की कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका। तो संघ की जो कार्यपालिका न्यायपालिका और विधायिका, संघ की कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका, यह अनुच्छेद 52 से लेकर 151 के मध्य है, जिसमें हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मंत्रिपरिषद और सर्वोच्च न्यायालय इन तमाम तथ्यों को पढ़ते हैं, इन तमाम थ्योरी को पढ़ते हैं जहां से आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। जब हम अध्यायवार रूप से पढ़ेंगे, भाग के रूप में पढ़ेंगे, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। मेरा छोटा सवाल आपसे है कि जिस समय संविधान बना था, अर्थात मूल संविधान में कुल कितने भाग थे। जी हां, मूल संविधान में पूछा जाता है, मूल संविधान में कुल कितने थे, 22 भाग थे। कितने भाग थे, 22। वर्तमान में कुल कितने भाग हैं, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा। भाग 6 राज्य की कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका, यह अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है, यहां से ही परीक्षा में आते हैं। माने अभी तक के जितने अनुच्छेद थे, खासकर 4 क तक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिलान करो से लेकर आता है। एक सवाल पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस भाग को संविधान का आत्मा कहते हैं। तो मौलिक अधिकार को भाग की बात कर रहे हैं, आत्मा कहते हैं किसे, भाग तीन को। भाग तीन को संविधान की आत्मा या हृदय कहा जाता है, अगर भाग पूछेगा परीक्षा में तब, ठीक है, यह बात आप लोग याद रखिएगा। ऐसे उद्देशिका या प्रस्तावना कहा जाता है, लेकिन अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को कहा है। परीक्षा में अलग अलग तरह के सवाल पूछे जाते हैं, यहां से आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और टेलीग्राम पर भी जुड़कर इसके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, या इलेनी बी दुर्गेश का फेसबुक पेज हो, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जितने इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं कटेंगे आपके,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर लें। भाग सात, इसमें पहली सूची भाग ख के राज्य सातवें संशोधन अधिनियम 1956 के धारा 29 और अनुसूची द्वारा निरस्त किए गए हैं। भाग आठ, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यह अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र 239 से लेकर 242 तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग नौ का ये बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है और मैं उम्मीद करता हूं जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो याद कर लें, स्क्रीनशॉट रख लें। पंचायत, ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992-93 जोड़ा गया। इसमें 243 क अगर अनुच्छेद की बात करें, इसमें जो अनुच्छेद है, अगर पंचायती अनुच्छेद की बात करें तो 243 क से लेकर 243 अ तक है। एक सवाल आता है, वैसे पंचायती राज व्यवस्था आपका टॉपिक है जिस टॉपिक को हम पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ लेता हूं, पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने विषय हैं? सभी लोग जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आगे थ्योरी में हम इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यहां आप लोग सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा, जहां जरूरत पड़े स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। जी हां, अगला है भाग नौ ख, ये नगर पालिका, इसमें क्या है नगर पालिका, ये 74वें संविधान संशोधन 1992 में इसको जोड़ा गया। ये 243 त से लेकर 243 झ तक है। अगर विषय की बात करें पंचायती राज व्यवस्था में कुल 29 विषय हैं और यहां पर कुल 18 विषय हैं, नगर पालिका में कुल 18 विषय हैं, क्योंकि यहां से एक नंबर आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ठीक है, आप लोग चाहे से याद करें, बाकी आपकी मर्जी। आगे देखते हैं भाग 10, ये अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र, अनुच्छेद 244 क है। भाग 11, संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध, इसमें विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय, अनुच्छेद 245 से लेकर 263 के अंदर प्रावधान किया गया है। भाग 12 की बात करें, वित्त संपत्ति संविदा बाद, यह अनुच्छेद 264 से लेकर 300 क तक है। 300 क में संपत्ति का अधिकार रखा गया जो अब विधिक अधिकार है। मेरा सवाल है आप सभी से, वित्त आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे कि वित्त आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है, सॉरी किस अनुच्छेद में। भाग तो आपको पता हो गया कि भाग 12 वित्त आयोग भाग 12 में है, लेकिन मेरा सवाल है वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अगर आपने वीडियो को यहां तक पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये आप सभी के लिए मेरे द्वारा आज गेस्ट के रूप में जब भी मेरे पास समय बचता है हम आपको देशित में राष्ट्रित में क्लासेस लेकर आते रहते हैं। भाग 13, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम से संबंधित है, अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक। आगे देखते हैं भाग 14, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जैसे राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, इसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 308 से लेकर 323 के अंतर्गत किया गया है। अब बात करते हैं निर्वाचन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके परीक्षा में कई बार सवाल पूछा जा चुका है कि भारत में जो निर्वाचन आयोग है वो किस जगह है, तो निर्वाचन अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग 15 निर्वाचन आयोग निर्वाचन का है, वो कहां पे है, अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक है। भाग 16, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जी हाँ, यह अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक फैला हुआ है और यह परीक्षा में पूछा जाता है, निर्वाचन तो बहुत बार पूछा है। राजभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाग 17, राजभाषा अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 क तक इसका प्रावधान किया गया है। 343 से 351 अनुच्छेद है ये सब। भाग 18, आपातकाल, 352 से लेकर 360, तीन प्रकार के आपात उपबंध हैं, 352, 356, 360, 360 अभी तक कभी भी नहीं लगाया जा सका है, तो तीन प्रकार के जो आपात उपबंध है ये भारतीय संविधान के भाग 18 में है। यहां से सवाल आता है कि आपात उपबंध कितने प्रकार के हैं, तो कुल तीन प्रकार के हैं, 1, 2 और 3,
और इसका जिक्र भारतीय संविधान के भाग 18 में है। अब हम और आगे चलते हैं, आप लोग जहां जरूरत पड़े इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है आपके सामने कि भाग 19 क्या है। भाग 19 प्रकीर्णन माने राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य प्रमुख, संसद आदि के संरक्षण के संबंध में है, संरक्षण के संबंध में है, जिसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के अंतर्गत है। कितने 361 से लेकर 367 के बीच है। प्रकीर्णन राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य प्रमुख, संसद आदि का संरक्षण। और आगे हम बात करते हैं भाग 20 संविधान संशोधन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से है, जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। भाग 21 अस्थाई संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, ये अनुच्छेद 369 से लेकर 392, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कई परीक्षाओं में, आपके लिए पूछा जा चुका है कि भाग 20 का संबंध किससे है, या संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो याद रखिएगा भाग 20 में है। अगला है आपके सामने भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत अनुच्छेद 393 से 395 इसमें, और निरसन भी, मतलब निरसित का मतलब होता है अनुच्छेद से कुछ चीजें बाहर निकाल ले, तो खाली डब्बा जो होता है, खाली पोटली जो होती है, वो निरसित के अंतर्गत आती है। आप सभी साथ इतना पढ़ लीजिएगा, इसके बाद हम लोग एक और वीडियो लेक्चर लेकर आएंगे जहां पर हम लोग भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियां पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक केवल हम लोगों ने भाग पढ़ा जहां से आपके परीक्षा में सवाल बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग इतना याद रखिएगा। यहां से अगर कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा। ध्यान रहे सभी क्लास और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, दुर्गेश सर सर्च करिएगा ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर, वहां सभी क्लास नोट्स आपको मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक ये वीडियो शेयर नहीं किया है तो शेयर का बटन दबाइएगा और अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा। इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक ई-लर्निंग विद दुर्गेश है, मुझे भी फॉलो कर सकते हैं कि मैं निःशुल्क आपको पढ़ाता हूँ जब भी मेरे पास समय बच जाता है, देश हित में, राष्ट्र हित में। तो फेसबुक पे दुर्गेश जायसवाल, दुर्गेश अशोक जायसवाल के नाम से है, इंस्टाग्राम पे दुर्गेश जायसवाल सर के नाम से है, तो आप खोज सकते हैं। बाकी बेहतर देते रहिएगा, प्रतिदिन क्लास में जुड़े रहिएगा। ये नोट्स आपको जरूरत कहाँ पड़ेगी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्य कोई जरूरत पड़ती है तो घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियां, उसके बाद क्रमवार रूप से एक एक दिन में एक एक टॉपिक उठाएंगे और आपकी परीक्षा में जितना महत्वपूर्ण है सभी टॉपिकों को पूरी तरह से क्लियर किया जाएगा। यह वीडियो अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमार। थैंक यू सभी का। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।